हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल देव आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, ये जो बोल्टास का डीप फ्रीजर है इसके अंदर कूलिंग बहुत ज़्यादा कम है और इसको 2 महीने हुए हैं आए हुए और 2 महीने में ही ये ऐसी प्रॉब्लम आ गया है कि कूलिंग बहुत ज़्यादा कम है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे कंपनी से आए हैं बोल्टास के, तो ये जो ड्रायर है ड्रायर को हल्का सा ये तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे तो यहाँ से एयर निकलेगा। और ये साबुन से चेक कर रहे हैं सर्फ से और आप देख रहे हैं यहाँ पे झाग निकल रहा है। इसकी ये वीडियो बना के भेज देंगे कि प्रॉब्लम यहाँ से है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो कहीं और से है। सो गाइज, आप वीडियो पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा है, ये जो कैपलरी है कैपलरी को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद थोड़ा सा इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे हल्का सा तोड़ लेंगे, क्योंकि जो कैपलरी है जब भी आप इसे काटेंगे तो ये पंच हो जाता है। तो पंच नहीं, आपको इसे तोड़ना है। तोड़ेंगे तो इसका जो छेद है वो बंद नहीं होगा, वो खुला रहेगा। और बताएंगे कि इसमें कंपनी वाले कैसे इसको रिपेयर करते हैं और कैसे गैस चार्जिंग करते हैं। जो बहुत से टेक्नीशियन सोचते हैं यार कंपनी वाले तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी वाले भी बहुत कुछ छोड़ देते हैं और बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं, जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो गाइस, उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो हमारा कंप्रेसर में कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकलता है, डिस्चार्ज लाइन से हमारा कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर से हमारा ड्रायर आता है और ड्रायर से कैपलरी में जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्चार्ज लाइन के पास एक लॉक लगा हुआ था, वो लॉक जो है वो लीकेज कर रहा था और लीकेज से जहाँ भी आपका गैस निकलेगा वहाँ पे ऑयल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑयल आ चुका था और हम इसको यहाँ पे कट करके जो लॉक कंपनी लगा के भेजता है उसको हटा देंगे और उसके बाद इसको डायरेक्ट जॉइंट कर देंगे। इससे क्या होगा कि लाइफ में कभी ये फिर दोबारा से लीक नहीं करेगा। जॉइंट जो पक्का कर देंगे तो ये पूरी मजबूती के साथ काम करेगा। तो ये कंपनी वाले कर रहे हैं, इनका करने का तरीका अलग है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, आप देख रहे हैं कि ये जो आपको एल्युमिनियम टाइप का ये दिख रहा है ये लॉक होता है और ये जो लॉक होता है यही लीक कर रहा था, क्योंकि ये जो लॉक होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं और हल्का फुल्का या फिर फ्रिज को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करने से उठाने रखने में ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद जहाँ से भी आप इसको ब्रेजिंग करें तो सबसे पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें, क्योंकि आप सफाई अच्छे से करेंगे तो ब्रेजिंग जो है बहुत अच्छे से होगा और बहुत स्मूथली होगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सफाई नहीं कर देते हैं, बस हल्का फुल्का ब्लेड मार देते हैं, जिससे क्या होता है ब्रेजिंग होती है वो मोटे से नहीं लगता है, बस ऐसे ही हल्का फुल्का लग जाता है और ये 1 साल या 1.5 साल में लीकेज हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें, जब भी आप कहीं भी ब्रेजिंग करें तो अच्छे से सफाई कर लें। सफाई करने से ब्रेजिंग जो है बहुत अच्छे से लगता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो 290 गैस है ये कितना आग वाला है, क्योंकि इस पर हल्का सा भी हमने जैसे ही लाइटर छुआया ये पूरा आग यहाँ से फेंक रहा है। तो आप इसको डरे नहीं, बिल्कुल सही से काम करें। और आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला जो कंडेंसर का जो लोहे वाला लाइन है हम इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लीकेज होता है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिपेयर करने में, वो जो हमारा लोहे वाला पाइप होता है उस वजह से होता है, क्योंकि वो लोहा से कॉपर में हम ब्रेजिंग करते हैं तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है और बहुत सफाई से करना पड़ता है, तभी ये लोहे से कॉपर में ब्रेजिंग होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और आप देख रहे हैं हमने एक टुकड़ा ले लिया है और दोनों तरफ से हमने इसका मुँह को फैला दिया है और फैलाने के बाद एक हिस्सा इधर डालेंगे कंप्रेसर से जो हमारा लाइन निकल रहा है और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा कंडेंसर है उसमें डालेंगे और बीच में क्या करेंगे ब्रेजिंग कर देंगे अच्छे से। लेकिन ये जॉइंट हो सके कि आप जॉइंट कम से कम बनाएं, क्योंकि जॉइंट आप ज़्यादा बनाएंगे तो क्या होता है कि लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक पहले इसको अच्छे से सॉकेट बना लेना है। और आप देख रहे हैं कि हम इसका जो सॉकेट वो बना रहे हैं, आप नोच प्लास से बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्विचिंग टूल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे, लेकिन ध्यान रहे कि जितना अच्छा ये गहरा होगा सॉकेट में, सॉकेट आपका गहरा बनेगा वो उतना अच्छा ब्रेजिंग होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि बहुत से लोग क्या करते थे, बस हल्का सा ऐसी पाइप टच कर देते हैं और उस पर ब्रेजिंग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं हमारे पास एक ये टूल है, टूल पे हमने इसको लगा दिया है और उसके बाद प्लास से हम इसको ठोक रहे हैं, तो ये जो सुम्बी टाइप की है ये बहुत अंदर तक चला जाता है और सॉकेट बन जाता है। सॉकेट से ये होता है कि आपका आधे से आधे इंची के अंदर ये चला जाता है और अच्छे से लेयर बन जाता है और जो ब्रेजिंग होता है वो मजबूती से हो जाता है।
और आप देख रहे हैं हमारा सॉकेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको इस प्रकार से लगाना है इसके अंदर। अभी देखिए हमने ये लगा दिया है, अब यहाँ पे दो जॉइंट बन गया हमारा, एक इसका कंप्रेसर से जो कॉपर से कॉपर वाला है और एक कॉपर से आगे वाला जो है लोहा है। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जो भी ब्रेजिंग पहले मारते हैं, हम लोग क्या करते हैं रॉड को ही पहले ब्रेजिंग करने लग जाते हैं, तो ये लोग ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं पीतल का जो रॉड होता है उससे ब्रेजिंग करते हैं पहले, क्योंकि जो जो लोहे वाला जो ब्रेजिंग होता है वो हमेशा पीतल से ही करें, क्योंकि पीतल के जो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, ये कंपनी वाले बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कंपनी वाले कह रहे हैं तो कुछ हो रहा कुछ सही बात होगा। तो आप अगर चाहे तो पीतल से कर सकते हैं, इससे क्या होगा मजबूती आ जाता है कॉपर टू लोहा, ये चीज़ आप ध्यान दें। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रायर है, ड्रायर को ये कट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इसमें गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि एयर आ जाता है, तो ये यहाँ पर कट ऑफ कर रहे हैं, तो आपको भी इसको काटना है। काटने के बाद ध्यान दें कि इसके फिर एक सॉकेट लगेगा। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि हमने ये ड्रायर है वो काट लिया है, काटने के बाद हल्का सा इसको गर्म करेंगे, क्योंकि जो पेंट वगैरह होता है गर्म कर देंगे तो यहाँ पे सफाई करने में आसानी होता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, हल्का सा इसको गर्म कर लें और उसके बाद इसको रगड़ेंगे तो ये अच्छे से सफ़ा हो जाएगा और ब्रेजिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेहनत नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने कर दिया है और उस यहाँ पर रेक माल से हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये पेंट हट गया है और ये सब साफ़ हो चुका है। उसके बाद आप देख रहे हैं अगर ना हो तो आपके पास एक ब्रश होना चाहिए लोहे वाला, आप उससे भी इसे सफ़ा कर सकते हैं, या फिर रेती हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि आप हम इसी से ही करें, जैसे भी हो, मतलब कहने का मतलब है कि साफ़ हो जाना चाहिए जहाँ भी आप इसे ब्रेजिंग करेंगे, क्योंकि जो लोहे वाला होता है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, वो कॉपर में बहुत जल्दी होता नहीं है ब्रेजिंग, तो ये चीज़ ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपर का एक टुकड़ा लिया है और उसके अंदर भी ये सॉकेट बनाएंगे, और इसके आगे जो हमारा कंडेंसर का लोहे वाला हिस्सा है उसमें ये सॉकेट फंसा देंगे और वहाँ पे ब्रेजिंग कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा कॉपर होगा, कॉपर से आगे वाला जो सिरा है वो ड्रायर में लग जाएगा, क्योंकि ड्रायर से वहाँ पे मजबूती आ जाएगा, क्योंकि वो भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। तो ये देख रहे हैं कि वीडियो में एक टुकड़ा जो है इसमें हम फंसा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो पीतल वाला रॉड है, ये पीतल वाले रॉड से कॉपर टू लोहा, कॉपर और लोहे के बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे ये पीतल वाले से ब्रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीतल का जो पकड़ होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आप भी इसे लगाएंगे तो जो प्रॉब्लम होती है लीकेज वगैरह की वो बहुत कम होगा, चांस और लाइफ बना रहेगा। थोड़ा महंगा पड़ता है, और कोशिश करें कि आप लोहे से कॉपर में जब भी ब्रेजिंग करें तो पीतल का रॉड इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेस्ट होता है। और आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से ब्रेजिंग हो रहा है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा ना कि ये आप पिघला रहे हैं रॉड और ये टपक रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्री फिनिशिंग के साथ हो रहा है। और उसके बाद आप इसके ऊपर जो अपना कॉपर वाला होता है रॉड उसको मार सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होगा कि डबल लेयर चढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद हम अंदर वाला जो हमने बनाया था कंडेंसर का और जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकला था उसमें भी आप पीतल से कर दें, क्योंकि वो भी लोहा है। तो जितने भी जॉइंट बनाएं वो बहुत अच्छे से बनाएं, मोटी लेयर बना दें ताकि जो लीकेज की समस्या है वो ना आए। और आप देख रहे हैं कि हम ये जो अंदर वाला जॉइंट था उसको ब्रेजिंग कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से ब्रेजिंग करना है। और ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था पीतल वाला, क्योंकि ये भी हमारा जो है लोहा है और आगे वाला जो सिरा है वो हमारा कॉपर का है। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ब्रेजिंग कभी भी आप करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए, रॉड जो है वो छूते ही पिघल जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो पाइप वगैरह आप ब्रेजिंग कर रहे हैं वो अच्छे से गर्म हो गया है, क्योंकि जिसको गर्म जो जैसे पाइप लाल हो जाता है, आप रॉड को जैसे ही रखते हैं तो वो पिघल जाता है। अगर जिसको वो चीज़ आ गया उसी जैसे गर्म रहता है उस पर अगर ब्रेजिंग करना आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ब्रेजिंग करना बहुत अच्छे से आ गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप रॉड को रखेंगे तो पिघल के नीचे टपक जाता है। तो ये चीज़ आपकी सफाई नहीं है, तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल नीचे ना टपके और अच्छी सी लेयर बना सको आप, इतनी आपकी सफाई होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन हमारा जो है सील्ड है, तो हम इसको यहाँ पे तोड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको गर्म करेंगे
और इसकी जो टूटा हुआ हिस्सा है छोटा सा, इसके अंदर डला रहता है, उसको आपको गर्म करके निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको यहाँ पे पिनवाल लगाना है, अच्छी कंपनी का लगाएं, क्योंकि पिनवाल भी बहुत काम होता है कि ये भी लीकेज हो जाता है अगर कमज़ोर लगाएंगे तो। अच्छी क्वालिटी का लगाएं, ये चीज़ ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन के लिए पिनवाल में सॉकेट बना रहे हैं, मतलब कि वो हमारा जो लाइन है छोटा वाला चार्जिंग लाइन है वो उसमें ये घुस जाए। अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है, स्विचिंग टूल नहीं है, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आप सुम्बी डालेंगे और ऊपर से ठोकेंगे तो ये क्या होगा, गोल सा ये मुंह बन जाएगा। या फिर आप नोच प्लास से कर सके तो आप नोच प्लास से कर लें। तो आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में इस प्रकार से सॉकेट आपको बनाना है। सॉकेट अच्छे से बनाएं और थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, जितना अच्छा गहरा होगा उतना अच्छा ये मजबूती से होगा। और आप देख रहे हैं कि ये बन चुका है। बनने के बाद आपको क्या करना है, इसको चार्जिंग लाइन में लगा देंगे और वहाँ पर ब्रिजिंग कर देंगे, क्योंकि हमें जो गैस वगैरह चार्ज करना है वो यहीं से करना है, चार्जिंग लाइन से। और जिसे हम पिनवाल बोल देते हैं, ये हमारा पिनवाल होता है, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पे हम ब्रीजिंग करेंगे इसको भी अच्छे से, बिल्कुल लाल करके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम यहाँ पे ब्रीजिंग कर रहे हैं, और आपको भी इसी प्रकार से ब्रीजिंग करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसके अंदर, कि कभी भी अगर आपका पंखा वगैरह नहीं चल रहा है तो आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप मारेगा। इस सिचुएशन में आप पहले पंखे को देखें कि आपका पंखा क्यों जाम है, क्यों रुका हुआ है, या तो कोई तार वगैरह आपका टूट गया होगा, या फिर क्या नाम है, कहीं से सप्लाई पंखे तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो पंखे को आप चेक कर लें, अगर नहीं समझ में आए तो टेक्नीशियन को बुलाएं, अपने से ना करें। और आप देख रहे हैं हमने ड्रायर लगा दिया है बड़ा वाला, और बड़ा वाला ड्रायर लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा कैपलरी है, कैपलरी को हम इसके अंदर लगाएंगे, और जो हमारा ड्रायर है उसको अच्छे मजबूती से इसको ब्रीजिंग करेंगे, क्योंकि जो 98% होता है वो यहीं से लीकेज होता है ड्रायर से। तो आपको इस प्रकार से हल्का सा रगड़ लेना है, रगड़ने के बाद इसको हम जो हमारा ड्रायर है उसके अंदर डाल देंगे। और जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में छोटे ड्रायर लगते हैं, और जो हमारा डीप फ्रीजर वगैरह होता है इसमें बड़ा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट होता है तो इसमें बड़ा ड्रायर लगता है। ऐसा नहीं कि आप इसमें फ्रिज वाला लगा देंगे लेकिन फ्रिज वाला वर्क नहीं कर पाए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर चलता है। तो आप इसे थोड़ा सा फ्लश कर लें कि कोई कचड़ा वगैरह ना रहे। फ्रिज को चालू करके आपको अंगूठे से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो भी गंदगी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो ड्रायर है वो लग चुका है, और हम इसमें इसे ब्रीजिंग करेंगे। तो आप क्या करें, एक छोटा सा टुकड़ा और ले लें, उसको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि ये जो होता है हमारा वैक्यूम करने के लिए होता है। तो ये जो ड्रायर का जो छोटा सा दो हिस्से होते हैं, एक तो हमारा कंडेंसर का लाइन चला गया है, और दूसरी जगह जो हमारा बचा है वो यहाँ पर आप टुकड़ा लगा लें एक कॉपर का, क्योंकि ऐसा होगा कि इसमें सेल्फ वैक्यूम यहीं से होगा। उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ ब्रेजिंग करना, और ब्रेजिंग भी यार बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कॉपर टू कॉपर है। हमने कॉपर और लोहे वाला जो ब्रेजिंग है वो उसको पीतल से करा और रॉड से करा है, तो वो तो हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पर ये कॉपर वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर वाला जो ब्रेजिंग होता है वो बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाता है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। ये कंपनी वाले बोलते हैं, आप एक बार, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी वाले कैसे डीप फ्रीजर वगैरह में गैस डालते हैं, क्योंकि ये आए थे तो हमने ये वीडियो बना लिया है, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करता रहा हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे इसे किया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो कैपिलरी वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पे भी आपको अच्छे से ब्रीजिंग करना है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो होता है बहुत हाई प्रेशर चल रहा होता है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से ब्रीजिंग करना है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने पिनवाल लगाया था, ये पिनवाल जो है वाल लगा दिया है और इसको बंद कर दिया है, और ये जो वैक्यूम हो रहा है, तो कंपनी वाले ऐसे वैक्यूम करते हैं, सेल्फ वैक्यूम। और आप देख रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर जो है चल रहा है, जो हमने ड्रायर पे टुकड़ा लगाया था वहाँ से जितना भी इसके अंदर एयर वगैरह है वो निकल रहा है। निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको चलते चलते में ही इसको ब्रीजिंग करेंगे और गैस डाल देंगे। तो कंपनी वाले ऐसा नहीं करें, कंपनी वाले क्या करेंगे, पहले ही इसको यहाँ पर ब्रीजिंग करेंगे और ब्रीजिंग करके इसे लॉक कर देंगे। और ये देख रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर जो है वो बंद है, और आप पहले इन्होंने क्या करा, इसे पंच कर दिया। लेकिन यार पंच करने पे भी प्लास से कितना कितना पंच हो जाएगा, प्रॉपर पंच थोड़ी ना होगा। लेकिन ये पंच ये प्लास से दबा दिया है अब, लेकिन जो भी जितना भी ये वैक्यूम हुआ था, अब आपका देख रहे हैं कि पंखड़ी हमारी रुक गई है, तो जितना भी एयर होगा वही इसे दोबारा खींच लिया होगा। तो पहली गलती तो इन्होंने यहाँ पर करा है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि वैक्यूम हो रहा होता है, अगर सिस्टम आपका रुक जाएगा तो ये वापस से एयर ले लेगा।
और अब इन्होंने ये पंच कर दिया था ये प्लास से, ये तो है नहीं कि ये प्रॉपर पंच हो गया और ये अब नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो एयर जाएगा। और आप उसके बाद देख रहे हैं कि ये पाइप लगा दिया है, अब पाइप लगा दिया है तो जैसे ही पिन वाल वहाँ पर दबा है तो जितना भी पाइप में एयर होगा वो भी इसके अंदर चला जाएगा और ये पंच भी हो गया है। तो यहाँ पर ये इन्होंने बहुत गलत करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रॉपर आपका कूलिंग नहीं करेगा, कूलिंग करेगा लेकिन प्रॉपर अच्छी जो आप चाहते हैं कि अच्छी कूलिंग हो वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, आप ऐसा ना करें। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या है बंद में ही इसको गैस डाल रहे हैं, जैसे एसी वगैरह में हम लोग डालते हैं, तो ये इसको बंद में चलो डाल रहे हो बात सही है, लेकिन ये जो इन्होंने बाद में पाइप लगाया है उसमें एयर ले लिया, कुछ एयर वहाँ से ले लिया, लेकिन इसके अंदर पहले से एडवांस एयर हो गया, तो आपने इसे वैक्यूम किया गया, कुछ नहीं किया। और इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें गैस डाल दिया, अभी सिस्टम आपका जो है चल नहीं रहा है, और यहाँ पे ये लीकेज टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे कंप्रेसर को चलाएंगे और आपका जो गैस वगैरह जो थोड़ा बहुत बचेगा वो भी ये ले लेगा। तो ये इनका हिसाब है करने का, लेकिन आप जैसे डालते हैं मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रोफेशनल तरीके से डालें जो इसका गैस डालने का शेड्यूल है। और आप देख रहे हैं कि जो है कंप्रेसर जो हमारा चल चुका है और ये कंडेंसर को चेक कर रहे हैं कि गर्म हो रहा है कि नहीं, और आप देख रहे हैं पंखड़ी हमारी घूम रहा है। आज को आपको मैं एक चीज़ और कर दूं, जितना बेस्ट वैक्यूम होगा डी फ्रीजर या फ्रिज में उतना अच्छा कूलिंग होगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन का ये जो नियम है कि वैक्यूम प्रॉपर हो, वैक्यूम पंप से अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैक्यूम पंप जो होता है वो इसीलिए बना होता है। कंपनी जब आप डी फ्रीजर वगैरह भेजता है मार्केट में, फील्ड में सेल आउट होता है, तो प्रॉपर वैक्यूम हो के भेजता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो आपका गैस चार्जिंग का बैक प्रेशर चल रहा है, इसमें 290 का लिखा हुआ था कि इसमें 290 गैस जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 34 डाला गया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।